हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल सो फ्रेंड्स आज जो हम वैकेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं ये मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है पंद्रह डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है अगर आपको किसी रिस्पेक्टिव प्रोफाइल में वैकेंसी जॉब चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं और बेटर ऑप्शन है अभी वैकेंसी रिलीज की गई है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेक्टर में तो आपको प्ले लिस्ट विजिट करना है ई एजुकेशन का जहाँ की आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिल जाएगा अगर वहाँ पे भी कुछ अपडेट नहीं आपको समझ में आता है तो आप हमें लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सो आज वैकेंसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जिसमें अकाउंट के लिए आर्टिस्ट के लिए इकोनॉमिक्स के लिए लाइब्रेरियन लाइबरेटरी इंस्पेक्टर फूड ऑफिसर एंड वेरियस अदर प्रोफाइल की वैकेंसी रिलीज की गई है ओके okay, सो so इसके बारे में आज हम जानेंगे और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे सो so देखते हैं यहाँ पे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है स्टार्टिंग तो डेट है इकतीस दिसंबर अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है बट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अट्ठाईस जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं लास्ट डेट है एंड जो है सबमिशन है ऑनलाइन फॉर्म का वो एक जनवरी तक आप सबमिट कर सकते हो वेबसाइट है डब्ल्यू आपको ऑनलाइन भरना है हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है सो so, आर्टिस्ट के लिए वन वैकेंसी है सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद है यहाँ पे असिस्टेंट फूड डेवलपर ऑफिसर्स के लिए दो वैकेंसी है सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एंड असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए एक वैकेंसी है पैतीस हजार चार सौ तक सैलरी है पैंतीस हजार चार सौ से लेके एक लाख बारह हजार चार सौ तक लेबरेटरी असिस्टेंट अः इसमें देखिए पैंतीस हजार चार सौ से लेके एक लाख बारह हजार चार सौ तक है सीनियर लैबरेटरी असिस्टेंट एक वैकेंसी है पैंतीस हजार चार सौ से लेके एक लाख बारह हजार चार सौ तक है सीनियर इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर छब्बीस वैकेंसी है सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया अकाउंट असिस्टेंट के लिए सी ग्रेड का है, एक वैकेंसी है पच्चीस हजार पांच सौ से लेकर क्या हजार एक सौ तक अनाउंसर दो वैकेंसी है और पच्चीस हजार आठ पांच सौ से लेकर क्या हजार एक सौ तक सैलरी स्ट्रक्चर है जूनियर लाइब्रेरियन इसमें जो है उन्नीस हजार नौ सौ से लेकर तिरसठ हजार दो सौ तक सैलरी है जूनियर लाइब्रेरियन अगेन नाइन वैकेंसी है दूसरे डिपार्टमेंट में है ये इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के लिए है ये स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है इक्कीस हजार सात सौ से लेके उनसठ हजार एक सौ तक मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर इसमें पंद्रह जो है वैकेंसी है पच्चीस हजार पाँच सौ से लेके इक्यासी हजार एक सौ तक

ऑफ कल्चर और एनी अदर यूनिवर्सिटी से जिसमें कि फोटोशॉप कोरल ड्रॉ ये आना चाहिए आपको राइट तो जिनको यू नो फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन जो किए हैं एंड फोटोशॉप कोरल ड्रॉ अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद असिस्टेंट फूड डेवलपमेंट ऑफिसर फूड डेवलपमेंट ऑफिसर एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए राइट कोई एक्सपीरियंस नहीं डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए दो साल का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड्स इसमें इन टी वी फिल्म डायरेक्शन में ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी इसमें जो है ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से इन uh, साइंस से फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा और विथ थ्री ईयर एक्सपीरियंस ओके सो लेबरेटरी असिस्टेंट अंडर द फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर में ग्रेजुएट साइंस से चाहिए फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और थ्री ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट इसमें बैचलर इन साइंस फ्रॉम साइंसनाइज यूनिवर्सिटी ओके उसके बाद सीनियर इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर इसमें जो है बैचलर डिग्री चाहिए और नर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए मतलब पी जी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसोर्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैथमेटिक्स सोशियोलॉजी और स्टेटिक्स uh, इन सब में

लाइब्रेरी साइंस से विथ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एनी डिसिप्लिन विगरी इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अपलिकेशन एंड लाइब्रेरी वर्क जूनियर लाइब्रेरियन में देखिए इसमें क्या दिया है लाइब्रेरी साइंस से आपका ग्रेजुएशन uh, होना चाहिए एंड फर्स्ट डिविजन के साथ मार्क मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर और ह्यूमेटीज एंड या फिर साइंस और कॉमर्स से ग्रेजुएशन चाहिए ओके एंड स्क्राइबर के लिए फाइन आर्ट से आपका ग्रेजुएशन चाहिए राइट सो एज 21 से 38 रखा गया है और कोई भी इंडियन अप्लाई कर सकता है बट आपका जो है उड़ी उड़िया लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए आपको और वहाँ की जो टेंथ है या ट्वेल्थ है उसमें से आपका यू you नो know, एक एग्जाम को भी पास किया हो उड़िया लैंग्वेज से राइट right? सो so, उड़िया एज ए सब्जेक्ट वहाँ आपका एक जो है टेंथ या सेवेंथ में आप पास की हूँ सो so, प्रीलिम्स होगा वन फिफ्टी मार्क्स का उसके बाद मेंस होगा टू हंड्रेड मार्क्स का और निगेटिव मार्किंग ट्वेंटी फाइव परसेंट रहेगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा थर्ड पेपर जूनियर लाइब्रेरियन के लिए सीनियर इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर के लिए मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के लिए ओके एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये चार स्टेज में आपका एग्जाम होगा ओके सो ये है ओवरऑल इसमें और अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है अप्लाई करने के लिए नीचे सिलेबस दिया गया है दिस इज यू नो द प्रोसेस एंड ओके सो ये में यहां पे आपको कुछ सिलेबस तो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे नहीं दिया गया है यहाँ पे देखिए क्या है डॉक्यूमेंट सबमिशन टाइम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस यहाँ पे सिलेबस दिया गया है प्रीलिम्स एग्जाम का एंड का ओके okay. सो so, ये चीजें हैं सो so, आप अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स अभी टाइम है वैसे और कोई भी इशू आता है तो लेट मी नो ओके सो गुड लक मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स